उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले पर स्थित जागेश्वर धाम आस्था और आध्यात्म का केंद्र है। जागेश्वर अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों में स्थित जागेश्वर मंदिर एक धाम है, क्योंकि इसी मंदिर में 124 छोटे बड़े मंदिर एक ही जगह पर स्थित है, जिस वजह से इसे धाम की श्रेणी में रखा गया है। जागेश्वर धाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहां पहला जागेश्वर में महान दंतेश्वर मंदिर स्थापित है, वहीं 1.5 किलोमीटर आगे दूसरे बड़े पार्ट में महान मृत्युंजय मंदिर स्थापित है। जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अनोखी कलाकृतियां और आकर्षित वास्तुकला से निर्मित इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम थोड़ी सी पौराणिक घटना का वर्णन करेंगे और फिर आगे जाकर हम जागेश्वर मंदिर के रहस्यों की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप नैनीताल मेनिया YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। जागेश्वर मंदिर का इतिहास स्पष्ट है, मगर माना जाता है यहाँ देवदार के घने जंगलों में भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। उस समय यहाँ जागेश्वर धाम नहीं था। जब भगवान शिव यहाँ तपस्या में लीन थे तो उस समय सप्त ऋषियों की 7 पत्नियाँ भगवान शिव को देखकर मोहित हो चुकी थी और कुटिया जाना भूल चुकी थी। जब अपनी पत्नियों की तलाश में सप्तऋषि यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियाँ भगवान शिव को तपस्या में लीन देखकर मोहित हो चुकी हैं। ऐसा देखकर सप्तऋषियों के क्रोध का ठिकाना ना रहा और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव देवों के देवता हैं, जिन्हें महादेव नाम से भी पुकारा जाता है। तो भगवान शिव जिन पर ये श्राप लगना लगभग असंभव था, लेकिन सप्तऋषियों द्वारा बेमतलब के श्राप दिए जाने पर उन्होंने क्रोध में सप्तऋषियों को अनंत काल तक आसमान में लटके रहने का श्राप दे दिया था और आज तक सप्तऋषि आसमान में एक साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान शिव ने सप्तऋषियों के श्राप का अनादर न करते हुए उन्होंने अपना एक रूप शिला में समा दिया था, जिसे आप दंडेश्वर मंदिर के अंदर देख सकते हैं। जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय है। यहाँ शिवलिंग अति विशाल है और इसकी दीवारों पर महामृत्युंजय मंत्र बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, जो संस्कृत व ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। इन अभिलेखों की खोज 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक की बताई जाती है। इस मंदिर में पूजा करने से मृत्यु का भय नहीं रहता है और मृत्यु अजय रहती है। माना जाता है यहीं से लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा शुरू हुई। पहले से जागेश्वर मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि इस रहस्यमय मंदिर में जो भी सच्चे मन से मनोकामना मांगता था तो उसकी मनोकामना पूरी होती थी। लेकिन बाद में लोग इस मंदिर का उपयोग गलत चीजों में करने लगे। लेकिन जब महान गुरु आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में जागेश्वर आए तो उन्होंने महामृत्युंजय मंदिर में स्थापित शिवलिंग को किलित किया, जिसके फलस्वरूप दूसरों के प्रति बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होने लगी। यहाँ सिर्फ यज्ञ करके मंगलकारी मनोकामनाएं पूरी होती है। महामृत्युंजय मंदिर के पीछे दो तने वाला जो आप देवदार का वृक्ष देखते हैं, कहा जाता है यह भगवान शिव और पार्वती का ही रूप है। इसकी परिक्रमा करने से भी मनोकामना पूरी होती है। चलिए अब कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाए गए इस मंदिर की बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप YouTube में कम्युनिटी पोस्ट को भी समय समय पर चेक करते रहिए, ताकि यदि कोई वीडियोस आपसे मिस हो जाए तो आप कम्युनिटी टैब को चेक करके उन मिसिंग वीडियोस को देख सकते हैं। कत्यूरी राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया था। हैरान कर देने वाली इनकी उस जमाने की वास्तुकला है कि आखिर इन मंदिरों का निर्माण उन्होंने कैसे किया। जागेश्वर धाम के मंदिरों को अगर हम देखें तो यह मंदिर ईंट सीमेंट के बजाय पत्थरों और शिलाओं को प्लेट नुमा काट कर बनाए गए थे। आश्चर्य तब होता है जब उस जमाने में आज की तरह मशीनें नहीं हुआ करती थी तो इतने सटीक प्लेटनुमा पत्थर उन्होंने कैसे काट दिए।
और साथ ही उन्होंने मंदिरों को भी इतना सटीक डिजाइन कैसे दिया। इतने बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण उन्होंने बिना किसी मदद के कैसे किया। साथ ही विशाल मंदिरों में उकेरी कलाकृतियां और भी हैरान करती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि कत्यूरी राजवंश एक ही रात में मंदिरों का निर्माण कर देते थे और ये लोग रात के समय ही अपना कार्य करते थे ताकि कोई और उन्हें देख ना सके। आखिर वे लोगों से छुपकर ऐसे कार्य क्यों करते थे, ये भी एक रहस्य की ओर संकेत करता है। साथ ही इनके बनाए मंदिर आज के मंदिरों से भी काफी अलग रहते हैं और इनके बनाए मंदिर अन्य मंदिरों के अपेक्षा अलग और इतने प्राचीन काल से वर्तमान समय तक भी टिके हुए हैं। यदि आप जागेश्वर धाम के अन्य मंदिरों का साइज देखें तो वह दिखने में इतने छोटे हैं, जिससे यह मानना गलत नहीं होगा कि कत्यूरी राजवंश के लोग कद में छोटे रहे होंगे। जागेश्वर धाम में उन्होंने कुछ मंदिर ऐसी सीध में बनाए हैं जो ब्रह्मांडीय पिंडों पर आधारित है, जो किसी रहस्य की ओर संकेत करता है। इस धाम में केदारनाथ मंदिर के साथ साथ अन्य ऐसे कई मंदिर हैं, जिसे देखकर सच में आश्चर्य होता है कि आखिर उन्होंने ये मंदिर क्यों बनाए। क्या वे भगवान की स्थिति को पकड़ सकते थे? आखिर वे इतने विशाल समूह में मंदिरों का निर्माण करके कहां चले गए और उन्हें मंदिरों को निर्माण करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या कत्यूरी राजवंश आज भी जीवित है? यही ऐसे वो रहस्य हैं जिनका पर्दा आज तक कोई भी उठा नहीं सका है। लेकिन आपको मेरा नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा ताकि आप इन रहस्यों में से कुछ रहस्यों के बारे में जान सकेंगे। तब तक आप इस चैनल में बने रहिए और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।